आज हम लोग क्लास 11 पाठ त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.2 का इंट्रोडक्शन का दूसरा भाग करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत परिसर ज्ञात करेंगे और ग्राफ भी देखेंगे इसका। तो इसके अंतर्गत देखेंगे, तो लिखते हैं यहाँ त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत परिसर एवं ग्राफ। ये हो गया, तो हम देखेंगे। देखिए पहला है fx बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का हम प्रांत परिसर ठीक ना, और ग्राफ भी देखेंगे। तो इसके लिए देखिए साइन एक्स में है प्रांत, तो इसके लिए भी हम पहले ये बना लेते हैं, एक इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचते हैं। देखिए ये लिखा है ठीक ना, एक्स अक्ष, एक्स डैक्स, और ये वाई अक्ष, ये वाई डैक्स ठीक ना। अब हम यहाँ पर कुछ एंगल के संग है ना, यक्स एंगल के संग है ना, धनात्मक यक्स अक्ष ले रहे हैं, यक्स एंगल दे रहे हैं, कुछ एंगल है। तो यहाँ पर हमको इनके बिंदु क्या, निर्देशांक क्या प्राप्त जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स ठीक ना, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर हमको प्रांत ज्ञात करना है, तो प्रांत का मतलब ये होता है कि हम इस पर यक्स का क्या क्या मान रख सकते हैं ठीक ना। तो जो मान हम रख सकते हैं उसी को प्रांत बोलते हैं, और जो हमको मान प्राप्त होता है उसे परिसर बोलते हैं। तो देखिए यक्स क्या है, यक्स यहाँ कोण है, और कोण किस में है, रेडियन में है ठीक ना। तो हमने देखिए इसके पहले भी एक पॉइंट पढ़ा था कि रेडियन और वास्तविक संख्या को हम एक ही माने हैं ठीक ना, रेडियन और वास्तविक संख्या एक ही होती हैं, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा था कि एक 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 इकाई जो वास्तविक संख्या एक है, तो वो हमको केंद्र पर एक डिग्री एक रेडियन का कोण हमको देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेडियन और वास्तविक संख्या एक ही होती हैं ठीक ना, इसके पहले के इंट्रोडक्शन में हमने ये बताया है। अब देखिए अगर हम इसमें यक्स का मान रखें, तो हम इसमें यक्स का मान देखिए क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कोई भी हम इसमें कोण का मान रख सकते हैं ठीक ना, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक कोई भी इसके बीच में, या पाई या थ्री पाई बाई टू, फिर इसके बाद यहाँ टू पाई ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम टू पाई रख दिए, अब इसके आगे तो हम रुकेंगे नहीं, हम चाहें तो इसके आगे टू पाई के बाद भी आगे हम इस प्रकार कोई भी कोण रखते जाएंगे है ना, एंगल का मान बढ़ाते चलिए। तो एंगल की कितना भी बढ़ा लीजिए, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, तो हम इसमें कितना भी चाहें उतना हम इसमें बढ़ा सकते हैं ठीक ना। तो इस प्रकार इसमें यक्स का मान हमको क्या मिलेगा, आर है ना, इसमें प्रांत में क्या हो गया कि हम कोई भी आर मान यहाँ रख दें, हमको इसमें साइन एक्स का मान प्राप्त होता चला जाएगा ठीक ना। देखिए इसमें भी एक्स का मान कितना भी रख दें, पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, जितना भी चाहें हम उतना रख दें, हमको साइन एक्स कुछ न कुछ मान देगा ठीक ना। तो इस प्रकार ये हमको प्रांत प्राप्त होता है। देखिए ये तो हमने प्लस में लिया है ठीक ना, प्लस जीरो, प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई, प्लस थ्री बाई पाई, थ्री पाई बाई टू। अगर हम इसी प्रकार इसको अगर माइनस में भी ले लें ठीक ना, वास्तविक संख्या का मतलब कि इसमें सभी ऋणात्मक संख्या भी आएंगी, तो ऋणात्मक संख्या के लिए भी देख लेते हैं। देखिए ये रहा ऋण में ले लिया है ना, कुछ एंगल माइनस एक्स ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस, मतलब ये साइन एक्स है ना, साइन एक्स है ना, ये माइनस में आ गया ठीक, माइनस में ले लिया। तो इस प्रकार अगर हम माइनस में भी अगर कोण लें हम, तो माइनस में भी हमको बहुत सारी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे और कुछ न कुछ मान
साइन एक्स देता चला जाएगा। तो इसी प्रकार जीरो से लेकर, देखिए ये क्या दे रहा है, जीरो से लेकर अनंत तक प्रांत में, जैसे हम ये सब जीरो से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या यहाँ रख दें तो हमको साइन एक्स का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। और अगर यही काम ऋणात्मक में बात करें तो देखिए जीरो से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक हमको ये रख सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो इसलिए देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से अनंत प्लस में की तरफ, जीरो से माइनस इनफाइनाइट, तो देखिए ये बन गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक ना। मतलब क्या हो गया कि ये सभी वास्तविक संख्या हमको इसके अंतर्गत प्राप्त हो गई, इसलिए हम इसको प्रांत R लिखे हैं। R क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो ये देखिए ये तो रख लिया हमने, रख सकते हैं, अगर हम इसमें रखें तो हमको साइन एक्स का मान प्राप्त क्या क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए उसके लिए भी हम देख लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर फिर यही ले लेते हैं, एक इकाई का त्रिज्या का वृत्त ले लिए, ये लिख लिया। तो इस प्रकार देखिए अगर एक एक का है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक हो गई, एक से एक इकाई त्रिज्या है तो जीरो यहाँ से एक हो गई, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया। तो अगर हम यहाँ पर इसके निर्देश का निर्देशांक ज्ञात करें, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देखिए यक्ष अक्ष पर एक सेंटीमीटर या एक इकाई और वाई अक्ष यहाँ पर है ही नहीं, शून्य है, इसलिए ये 10 होगा, ठीक ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान शून्य होता है और एक इकाई की दूरी पर है, इसलिए 101 हो गया। फिर इधर देखिए तो एक्स का मान -1 और वाई का मान शून्य है यहाँ पर, है ना। एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा शून्य होता है, एक्स अक्ष पर के ऊपर किसी भी मान, किसी भी बिंदु पर देख लीजिए, वहाँ वाई का मान हमेशा शून्य होता है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर वाई अक्ष है मगर एक्स अक्ष नहीं है, तो इसमें क्या हो गया कि ये हो जाएगा आपका, ये x अक्ष शून्य है और y का मान -1, ठीक ना। ये पहली क्लास में पहले भी बताया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर एक कोण ले लिया x डिग्री, x एंगल का कोण है, तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा cos x sin x, ठीक ना, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पर अगर हम ये देखिए ये क्या है, ये प्रारंभिक है ना भुजा है, यहाँ से हम कोण बढ़ाते हैं चाहे प्लस की तरफ चाहे माइनस की तरफ। यदि यहाँ पर देखिए अगर हम यक्स की वैल्यू अगर हम जीरो रखें, ठीक ना, देखिए अगर यक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये वाला जो होता है ये कॉस को दिखाता है, ये साइन को दिखाता है, ठीक ना। यक्स जो निर्देशांक है ये कॉस एक्स के मान को देता है और वाई वाला जो निर्देशांक है वो साइन एक्स के मान को देता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको साइन एक्स का ही मान चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो देखिए जब हम यक्स का मान जीरो रखेंगे तो हमको देखिए यहाँ पर यही वाला ये वाला है, तो ये साइन जीरो, साइन एक्स का मान हमको जीरो प्राप्त हो रहा है, तो साइन एक्स का मान हमको ये जीरो प्राप्त हो रहा है, ठीक ना, मतलब जीरो से प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए इसमें अगर हम इसी तरह आगे बढ़ें तो अगर हमको पाई बाई टू पर देखिए, ठीक ना, पाई बाई टू पर देखेंगे तो अगर एक्स का मान पाई बाई टू लिख देते हैं तो देखिए साइन पाई बाई टू क्या हो जाएगा, तो देखिए ये वाला मान है ना, ये कॉस का होता है, ये साइन का मान होता है, तो ये हमको प्राप्त 1। अब वैसे भी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक ना। अब देखिए अगर यहाँ पाई की वैल्यू रखें, यक्स की वैल्यू अगर हम पाई रख दें तो साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए इस वाले से साइन पाई की वैल्यू यहाँ देखिए ये रहा यक्स, ये रहा वाई, वाई का मान मतलब यहाँ पर देखिए जीरो आ रहा है, ठीक ना, तो ये हो गया जीरो वैल्यू आएगी, साइन पाई की वैल्यू जीरो आएगी। अब अगर हम x की वैल्यू 3π/2 रख दें तो ये साइन 3π/2 कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये वाला है ना, तो ये हो गया -1। अगर फिर हम x का मान 2π रख दें, ठीक ना, तो 2π मतलब फिर हम वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ गए, तो यहाँ पर भी साइन 2π की वैल्यू हमको शून्य प्राप्त हो रही है, ठीक ना। और हमको बस यही ही प्राप्त होगा, यहाँ से यहाँ तक इसी में ही 0 से लेकर 2π, 4π, 6π, 8π, बस इसी यही हमको वैल्यू प्राप्त होगी, चाहे हम यक्स का मान कितना भी बढ़ा दें, ठीक ना। तो देखिए 2π, 4π, 6π, यक्स मान कुछ भी रखें, हमको देखिए वैल्यू इतनी आएगी। देखिए 0 से चले हैं,
वन तक गया, फिर जीरो आया, फिर माइनस वन आया, फिर जीरो आया, ठीक है, टू पाई पर, मतलब अपने वापस अपने स्थान पर आ गए, तो फिर जीरो आ गया। फिर हम आगे ले जाएंगे तो फिर हमको यहाँ वन आएगा, जीरो आएगा, माइनस वन आएगा। तो इसका रेंज क्या आ रहा है, मतलब हमको क्या क्या, बस साइन एक्स का मान कहाँ से कहाँ प्राप्त होगा। तो देखिए, हमको साइन का मान ये हो गया रेंज, रेंज हो गया, या परिसर बोलते हैं इसे। हमको बस ये माइनस वन से लेकर वन तक ही ये मिलेगा, ठीक ना, माइनस वन से वन के बीच में ही वेरी करता रहेगा ये। अब देखिए, अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ देख लेते हैं इसको। ये जीरो हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे जीरो से लेकर, देखिए यहाँ पाई बाई टू है, पाई बाई टू, फिर पाई, फिर थ्री पाई बाई टू, फिर टू पाई, ठीक ना, ये प्लस की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार अगर माइनस की तरफ ले लें तो माइनस पाई बाई टू ये हो गया, पाई माइनस थ्री पाई बाई टू, और यहाँ टू पाई, माइनस में टू पाई, ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए, अगर जब यक्स की वैल्यू जीरो थी, यक्स की वैल्यू जीरो थी, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो ही है, तो ये रहा आपका जीरो हो गया। अगर पाई बाई टू रख रहे हैं हम, देखिए एक्स की वैल्यू जब पाई बाई टू है तो साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है, तो हम इधर वन ले लेते हैं, ये वन है, और इधर भी ये माइनस वन ले लिए हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए, जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक ना, देखिए जीरो पाई बाई टू, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक अगर बढ़ा रहे हैं तो देखिए हमको मान क्या प्राप्त हो रहा है, जीरो से लेकर वन तक आया। तो जीरो से लेकर वन तक आया तो हम देखिए जीरो से लेकर देखिए यहाँ तक है, तो देखिए हम इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हो रहा है। देखिए जिस पैटर्न से ये ऐसे उठ रहा है ना, इस पैटर्न पर ही हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक ना, जीरो से लेकर जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान इस प्रकार बढ़ रहा है, और पाई बाई टू पर आकर वन पर आ रहा है। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे इसमें ड्रॉ किया हुआ है, ये ड्रॉ किया, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए पाई बाई टू के बाद पाई तक है ना, पाई बाई टू से पाई, तो देखिए फिर यहाँ से अगर हम जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, अब इसकी वैल्यू जो है वो ऋणात्मक में चली जा रही है, ठीक ना, मतलब कम होती जा रही है, ठीक ना। देखिए वन था, अब देखिए कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जीरो पर आके रुकेगा। तो पाई पर वैल्यू देखिए जीरो पर आ गया, तो हम भी इसको पाई तक लाते लाते इसको भी ऐसे कर देंगे, ये रहा जीरो, और यही पैटर्न रहेगा, देखिए ऐसे ही होगा, ठीक ना, स्ट्रेट नहीं होगा। फिर देखिए जीरो से लेकर जब थ्री पाई बाई टू करेंगे, जीरो पाई से थ्री पाई बाई टू करेंगे, तो देखिए इसी पैटर्न से होते हुए ये माइनस वन पे पहुंचेगा, ठीक ना। देखिए माइनस वन पर आया है, तो हम इसको माइनस वन तक ले जाएंगे, ठीक ना, ये रहा थोड़ा पास पास में बन गया, यहाँ तो बना लेना, ये हो गया थ्री पाई बाई टू, ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहां पर माइनस वन से फिर जीरो पर आ गया है ना, माइनस वन से जीरो पर, मतलब टू पाई तक आते आते फिर ये अपना जीरो पर आ जाएगा, तो ये आ गया जीरो पर, ठीक ना। तो इसी प्रकार अगर हम माइनस का भी अगर एंगल लें तो हमको देखिए इसी प्रकार प्राप्त हो जाएगा, ये रहा यहां तक गया, फिर पाई से गया, फिर ये इस तरह, और टू पाई पर आकर ये जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको देखिए, जहाँ ये वन पर है तो ये वन पर ऐसे कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक ना। अब हम इसके बाद कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं। अब देखिए लिखेंगे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स में भी अपना प्रांत कितना हो जाएगा, प्रांत में देखिए ये आर हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्या यहाँ रख सकते हैं हम, है ना, इसको डोमेन बोलते हैं, और इसमें परिसर
ये रेंज कहलाता है। तो देखिए इसके लिए हम ग्राफ थोड़ा से एक इकाई वाला त्रिज्या का वृत्त बना लेते हैं। देखिए ये रहा, तो ये एक इकाई का है, तो यहाँ पे कोई एक एंगल ले लिया यक्स डिग्री बनाता हुआ, तो इसके निर्देशांक क्या हो गया, कॉस एक्स और ये साइन एक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये रहा जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, थ्री पाई बाई टू और ये जीरो, ठीक है। तो यदि हम देखे यहाँ जीरो पर देख लेते हैं, ये यक्स अक्ष है, ठीक ना। तो यदि हम यक्स का मान जीरो रख के देखें, ठीक ना, हम इसका रेंज देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक होगा, तो अगर यक्स की वैल्यू जीरो मतलब एंगल जीरो है, तो ये हो जाएगा कॉस, देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा, ये यक्स अक्ष पर है तो वन जीरो और ये जीरो वन, ये माइनस वन जीरो और ये हो जाएगा जीरो माइनस वन, ठीक ना। तो यदि यक्स का मान जीरो है तो कॉस जीरो का मतलब देखिए ये वाला, ये हमको ये वाला है ना, ये कॉस दिखाएगा हमको, कॉस एक्स का मान देगा तो ये हमको वन हो रहा है, ठीक ना। और अगर यक्स का मान पाई बाई टू रख दें तो कॉस पाई बाई टू का मान कितना आ जाएगा, देखिए ये रहा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक ना। अगर यक्स का मान थ्री पाई बाई टू रख दें तो कॉस, सॉरी पाई का मान पहले रख लें, पाई का मान तो जगह पाई बराबर, तो कॉस पाई मतलब ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन है ना, यक्स वाला ही वन रख लिया या जीरो रख लिया, ये माइनस वन। और अगर यक्स का मान थ्री पाई बाई टू रख लें तो देखिए कॉस थ्री पाई बाई टू क्या आ रहा है, ये हमको जीरो प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। और अंत में अगर यक्स का मान टू पाई रख दें तो मतलब हम अपने वापस यक्स मतलब यक्स अक्ष पर ही आ गए, तो ये हो जाएगा कॉस टू पाई बराबर, फिर हमको ये वन प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। मतलब ये वन से चले थे फिर ये वन तक आ गया, तो यही घूम फिर कर वन जीरो माइनस वन जीरो और वन आएगा, मतलब सबसे बड़ा रेंज कहाँ, वन गया और फिर ये अधिकतम माइनस में माइनस वन तक गया। तो हमको देखिए रेंज पता ही चल गया, रेंज होगा माइनस वन से लेकर वन तक, ठीक ना। ये साइन और कॉस का प्रांत और परिसर सेम होता है ग्राफ में, बस 90 डिग्री से आगे से शुरू होता है। तो हम ग्राफ भी देख लेते हैं यहीं पर, देखिए ये ग्राफ है, ये जीरो, ये लिख लिया पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू और ये टू पाई और ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई माइनस में माइनस थ्री पाई बाई टू और ये टू पाई। अब देखिए यहाँ पर एक्स का मान जीरो पर कितना है, वन है, देखिए वन ले लिया हमने, तो यहाँ वन पर आ गया। और अगर पाई बाई टू करें तो देखिए जीरो आ रहा है, ठीक ना, और ये यही पैटर्न रहेगा, ठीक ना। तो यही पैटर्न हम लगाएंगे पाई बाई टू पर, ठीक ना, ये आ गया। फिर देखिए यहाँ से आया वन से लेकर जीरो तक आ गया, फिर जीरो से लेकर माइनस वन तक, पाई पर माइनस वन पर जाएगा, ठीक ना। फिर थ्री पाई बाई पर फिर जीरो आ जाएगा ये, ठीक ना, फिर इसी प्रकार ये ऐसे जाता रहेगा, यही काम माइनस में भी यही हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए जीरो पर वन से शुरू हो रहा था और साइन जीरो से जीरो पर शुरू हो रहा था, ठीक ना। थोड़ा सा ये 90 डिग्री ये या थोड़ा सा ये आगे शिफ्ट हो गया है, या तो कहिए पीछे शिफ्ट हो गया है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये कॉस एक्स का भी ये ग्राफ प्राप्त हो गया। अब हम इसका टेन एक्स का ग्राफ देखेंगे। अब देखिए लिखेंगे एफ एक्स बराबर टेन एक्स, ठीक ना। तो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स,
तो इसका मतलब हमको देखिए cos x शुड नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, हर में जीरो नहीं होगा वरना ये अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको प्राप्त हो रहा है कि cos x शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक ना, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये जीरो कब कब होता है वो देख लेते हैं, तो वही हमको पता चल जाएगा कि नहीं होना चाहिए। cos x बराबर जीरो ये कब होता है, तो हमको जब x का मान जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, ठीक ना, ये हमने पहले बताया है, ठीक ना, जब पाई बाई 2 का विषम गुणज हो, ठीक ना, विषम गुणज ऑड मल्टीपल, देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक ना, विषम गुणज होगा, विषम गुणज, ठीक ना, पाई बाई 2 का अगर विषम गुणज होगा तो वहाँ पर कॉस एक्स का मान शून्य होता है, ठीक ना। तो देखिए हम एक बार बता देते हैं, देखिए एन का मान अगर हम यहाँ पर देखिए एन ये और एन होता क्या है, तो एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक ना, एक सभी पूर्णांक संख्या यहाँ पर हम एन का मान रख सकते हैं। तो देखिए एक्स का मान हम पहले जीरो रख के दिखाते हैं, यदि हम यहाँ पर जीरो रख दें तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, पाई बाई 2 आएगा, ठीक ना, अच्छे समझ लीजिएगा। और अगर हम एन का मान 1 रख दें तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 1 3, तो हो जाएगा हमको एक्स का मान 3 पाई बाई 2 प्राप्त हो जाएगा, है ना, ये आ गया। अगर हम एन का मान 2 रख दें तो 2 दूनी 4 एक 5, 5 पाई बाई 2। इसी प्रकार अगर हम माइनस में रख दें, यहाँ देखिए माइनस में रख लेते हैं, एन बराबर माइनस 1 रखेंगे तो 2 एक कम 2 देखिए 2 प्लस 1 पाई बाई 2, इसका मतलब ये माइनस पाई बाई 2 आ रहा है ना, इसका तो जगह माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। फिर यदि हम एन माइनस 2 रख लेते हैं तो 2 दूनी 4 तो जगह माइनस 3 पाई बाई 2 हो गया, इसी प्रकार माइनस 5 पाई बाई 2 आएगा, ठीक ना। मतलब इस मान पर cos x का मान 0 होता है, ठीक ना। और देखिए पिछली बार भी यही बताया था हमने कि cos x का मान हमें y अक्ष पर 0 होता है, ये सीधे सीधे बात करें तो, ठीक ना। तो देखिए y अक्ष पर हमने सीधे बोला था कि y अक्ष पर cos का मान 0 होता है, तो देखिए ये रहा 0, ये है पाई बाई 2, ये है पाई और ये है 3 पाई बाई 2, ठीक ना, ये हो गया 2 पाई। तो हमको देखिए हम बोले y अक्ष पर 0 होता है, तो देखिए एक 2 तो मिल गया, पाई बाई 2 मिल गया, फिर ये 3 पाई बाई 2 मिल गया। अब फिर यहाँ पर जाने के लिए या तो 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ दीजिए या तो इसमें पाई जोड़ दीजिए, तो हमको वहाँ पर मिले, देखिए पूरा पाई है ना, 180 डिग्री पर आगे गया है ना। तो हम यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखें लिखें अगर 3 पाई बाई 2 पर अगर हम पाई जोड़ दें, या तो यहाँ पर पाई जोड़ दीजिए या 2 पाई पर पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, ये 90 डिग्री है, तो इसमें अगर हम पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 एक कम 2 ये 3 ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2 हो गया, तो ये हमको प्राप्त हो गया। अब फिर यहाँ पर फिर इसमें हम पाई जोड़ देंगे तो यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा तो 7 पाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब देखिए 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, मतलब विषम संख गुणा जा रहा है, 1 3 5 7 9, ठीक ना, ये वाले पर, मतलब ये हमेशा वाई अक्ष पर कॉस का मान हमको 0 ही मिलता चला जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगर हम प्लस में ले रहे हैं, इसे इस तरह प्लस में रह रहे हैं तो हमको ये प्लस वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, अगर हम इस तरह माइनस में ले रहे हैं इस तरह उल्टा लेंगे तो हमको ये माइनस वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना। तो इस मान पर हमको कॉस एक्स का मान 0 प्राप्त होता है। तो मतलब हम देखिए एक्स के इन मानों को अगर हम यहाँ पर न रखें तो ये मान अपरिभाषित नहीं होगा, ठीक ना। मतलब हम x के इन मानों को छोड़कर x के कोई भी मान रख लें तो ये हमको परिभाषित हो जाएगा, और x का मान जो हम यहाँ रख सकते हैं उसी को प्रांत बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए हमको प्रांत क्या मिला, सभी वास्तविक संख्या में से ये वाला मान हम निकाल दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हम निकाल कर तो इन मानों को निकाल देंगे तो सभी संख्याओं के लिए ये परिभाषित हो जाएगा और वही हमको प्रांत पता चल जाएगा, ठीक ना। तो ये हमको प्रांत प्राप्त हो गया। अगर हम इसका परिसर देखें, परिसर का मतलब कि हमको अब इसमें मिलेगा क्या, ठीक ना, अब हमको इसमें मिलेगा क्या क्या, तो वही मान हमारा परिसर कहलाएगा। तो देखिए परिसर देख लेते हैं इसमें क्या मिलेगा। तो परिसर देखने के लिए हम इसका ग्राफ देखते हैं,
ठीक ना, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर जैसे ये है यक्स नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, ठीक ना। अब हम परिसर के लिए हम इसका ग्राफ खींच लें। देखिए ग्राफ खींचते हैं, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। इसी प्रकार यहाँ पर -π/2 -π है ना, ऋणात्मक संख्या कोणों के लिए, और ये 2π -2π, ठीक ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो हमको जो हमको विषम गुणज मिल रहा था, गुणज π/2 पर, ये वाला तो परिभाषित ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको डॉट डॉट से दिखा लेंगे कि उस मान पर ये परिभाषित ही नहीं है। तो देखिए किस पर आया था, ये आया था π/2 पर, तो π/2 पर ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए क्योंकि इस पर ये परिभाषित ही नहीं है, ठीक। फिर यहाँ पर विषम संख्या जो है विषम गुणज π/2 का, ये हो गया 3π/2, और यहाँ पर देखिए ये π/2 हो गया ऋण में है, और ये 3π/2 है ना, ये हो गया। यहाँ पर ये संख्या तो लाई ही नहीं है ना, परिभाषित ही नहीं, इसलिए डॉट डॉट कर दिया, ठीक। अब देखिए अगर हम देखते हैं 0 पर क्या आता है, ठीक ना, तो 0 पर देख लेते हैं। यहीं देख लें, देखिए x का मान अगर 0 रखें हम, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, sin x लिख लेते हैं, फिर cos x, तो ये हमको मिलेगा sin 0/cos 0, ठीक ना। sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इस प्रकार हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमको 0 यहाँ 0 पर 0 प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब देखिए, अब हम यहाँ देखिए π/2 नहीं लिखेंगे, देखिए क्या है ना, π/2 पर ये वैल्यू ये वाला परिभाषित ही नहीं है, तो हम π/2 एग्जैक्ट x बराबर π/2 नहीं कह सकते, हम लिखेंगे x tends to π/2, ठीक ना, x tends to π/2, मतलब कि हम π/2 की तरफ, ठीक ना, π/2 के एकदम जस्ट करीब भी पहुंच जाएंगे, मगर π/2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम रख के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin x/cos x, यहाँ पर हम π/2 रख के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए π/2 cos π/2 रख रहे हैं, मतलब 90 रख रहे हैं, तो sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0, मतलब देखिए ये अपरिभाषित आ ही गया, ठीक ना। तो मतलब π/2 की तरफ अगर हम करेंगे तो ये अनंत की तरफ तक चला जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये अनंत तक हो गया, अगर हम इसका फिर इसके देखिए इसके बाद हम क्या करें, देखिए हम इसका ग्राफी खींच देते हैं, ये हो जाएगा 0 और ये हो गया ऐसे, ये देखिए ये रहा ऐसे, बिल्कुल ऐसे अनंत तक चला जाएगा ये, ठीक ना, मतलब π/2 को टच नहीं करेगा ये, वहाँ पे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अनंत तक, अब प्लस डायरेक्शन में है तो प्लस इन्फाइनाइट है ना, प्लस इन्फिनिटी जाएगा, और यदि हम इसी तरह माइनस में भी रख लें, ठीक ना, तो हमको ये इस प्रकार हमको ग्राफ मिलेगा, ठीक ना। तो ये हो गया, और यही पैटर्न हमको यहाँ पाई से भी प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये हो गया और ये हमको ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो ये यहाँ -π पर भी ये हो जाएगा, ठीक ना, तो ये हो गया। तो इस प्रकार ये 10x का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देखिए, तो देखिए ये हो जा रहा है प्लस इन्फाइनाइट तक, और इस प्रकार ये माइनस इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो देखिए प्लस इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट का मतलब होता है ये r है ना, सभी वास्तविक संख्या हो गई, तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट का मतलब ये r हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार 10x का ये ग्राफ प्रांत और परिसर हो गया। अब देखिए हम लोग cot का मान निकालेंगे, fx = cot x, तो देखिए cot क्या होता है, cot को लिख सकते हैं cos x / sin x, ठीक ना। तो इसका मतलब
ये तभी परिभाषित होगा जब साइन एक्स का मान जीरो नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो कब होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये कब जीरो होता है, तो ये हो जाता है एक्स के, देखिए एक्स का मान अगर एन पाई हो, ठीक ना, ये पिछली क्लास में सबका बता रखा है हमने। तो एक्स का मान एन पाई पर साइन एक्स का मान शून्य होता है जैसे, और इसमें एन क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड, सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो अगर हम एन का मान जीरो रखें तो जीरो प्राप्त होगा, एन का मान एक आ रहा है तो यहाँ एक रखेंगे तो पाई, दो रखेंगे तो टू पाई, इस प्रकार थ्री पाई, फोर पाई, और ऋण में अगर रखेंगे तो माइनस वन पर माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, इस प्रकार, ठीक ना। तो ये होता है पाई, टू पाई, थ्री पाई पर ये सब मान जीरो। और देखिए इसमें अगर हम ग्राफ इसमें देखें, जैसे पिछली क्लास में बताया है, एक इकाई त्रिज्या वाला अगर वृत्त ले लेते हैं, तो देखिए इसमें हमने बोला था कि जो, देखिए हमने इसके पहले बोला था कि वाई अक्ष पर कॉस का मान जीरो होता है, इसी प्रकार एक्स अक्ष पर साइन का मान जीरो होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर भी जैसे वन जीरो हो रहा था और ये जीरो वन होता है, ये माइनस वन जीरो होता है और ये जीरो माइनस वन होता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो वाई निर्देशांक होता है साइन एक्स का मान होता है, देखिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, ठीक ना। मतलब इस एक्स अक्ष पर जो जो एंगल आएगा उस पर उसका मान जीरो होता है। तो देखिए जीरो आया, फिर ये पाई बाई टू है तो ये पाई हो गया, फिर ये टू पाई होता है, फिर ये थ्री पाई हो जाएगा और ये फोर पाई हो जाएगा। तो इस मान पर साइन एक्स का मान जीरो होता है, ठीक ना। तो ये वाला मान हमको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। तो देखिए हमको प्रांत क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रांत आर माइनस एन पाई, एन पाई को हटा देते हैं, एन पाई, ठीक ना, एन पाई के मान को हटा के बाकी सब ये प्रांत हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया प्रांत। अब परिसर देखिए इसके लिए क्या होगा, परिसर ज्ञात करने के लिए हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं पहले। देखिए ये है जीरो, ये है पाई बाई टू, ये है पाई, ये है थ्री पाई बाई टू और ये हो जाएगा टू पाई, ये टू पाई, ठीक ना। और ये इस प्रकार माइनस में पाई बाई टू, यहाँ माइनस पाई, ये माइनस थ्री पाई बाई टू और ये माइनस टू पाई। तो देखिए सबसे पहले हमको देखिए यहाँ पर कौन कौन सा किस पर परिभाषित नहीं हो रहा है, मतलब ये मान पर यक्स इसका मान तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जीरो पर है तो जीरो पर इसका हम यहाँ डॉट डॉट खींच देंगे, इन मानों पर ये परिभाषित ही नहीं है, ये डॉट डॉट लिख दिया। फिर पाई पर देखिए तो पाई पर खींच देंगे, फिर टू पाई पर खींच दीजिए, फिर ये माइनस पाई पर, ठीक है, ये वाला माइनस पाई है, फिर ये माइनस टू पाई, ठीक ना, इस पर परिभाषित नहीं है। अब देखिए अगर हम इस पर देखिए अगर हम x का मान जीरो रख लें, ठीक ना, तो इस पर देखिए क्या हो जाएगा, cos x बटे sin x, मतलब cos जीरो बटे sin जीरो, ठीक ना। तो sin जीरो की वैल्यू जीरो और cos जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए ये प्लस इनफाइनाइट तक हो गया, ठीक ना, प्लस इनफाइनाइट ले लिया। इसी प्रकार अगर cos x का मान अगर देखिए माइनस ये पाई बाई टू ले लेते हैं, पाई बाई टू ले लिया तो cos पाई बाई टू बटे sin पाई बाई टू ले लिया। तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ sin 90 पर एक होता है और cos 90 पर जीरो, मतलब ये जीरो आया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये जीरो रहेगा, ठीक ना। और ये वाला देखिए ये जो है जीरो, क्या बोले, जीरो पर ये इनफाइनाइट है, ठीक ना। अब देखिए पाई पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो यक्स का मान अगर हम पाई रख दें तो देखिए हो जाएगा कॉस पाई बटे साइन पाई। तो कॉस पाई पर क्या मान होता है, देखिए पाई पर ये रहा कॉस, तो ये माइनस वन होता है और ये जीरो होता है, इस प्रकार ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। तो अब हमारा ग्राफ बनेगा, देखिए
ये रहा इस पर जीरो है, जीरो से लेकर ये इनफाइनाइट गया, और इस प्रकार ये इधर माइनस इनफाइनाइट जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी यही ले लेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा ये, हाँ टच नहीं करेगा बस ऐसे, और इस प्रकार ये इस प्रकार माइनस इनफाइनाइट जाएगा, है ना। तो ये होगा इस प्रकार ये और ये ऐसे, ठीक ना। तो हर में ऐसा ही होगा ये ग्राफ, देखिए ये हो गया ग्राफ, ये हो गया कॉट का ग्राफ, ठीक ना। तो इस प्रकार कॉट एक्स के बारे में देख लिया, अब इसके आगे सेक एक्स का देखते हैं। अब देखिए लिखेंगे सेक एक्स, तो एफ एक्स बराबर सेक एक्स, सेक एक्स को हम लिख सकते हैं एक बटे कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये किस मान पर जीरो होता है, देखिए यक्स बराबर नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक ना। जस्ट इसके पहले वाले में भी अभी डिस्कस किए थे 10 वाले पर। तो अब देखिए इसमें हमको प्रांत तो पता ही चल गया कि ये मान नहीं होना चाहिए, प्रांत हो जाएगा r माइनस 2n प्लस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक ना, ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए परिसर ज्ञात करने के लिए, देखिए परिसर में क्या होगा, मतलब हमको क्या क्या मान प्राप्त होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए इसमें अगर ये जो फंक्शन है, अगर हम इसको देखें कॉस एक्स, यही लिखा हुआ एक बटे कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, लेस देन और इक्वल टू वन होता है, ठीक ना। इसका वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में वेरी करता है। तो देखिए इसको अगर हम तोड़ के लिखें, देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बटे माइनस वन, है ना, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन है, अगर इक्वल टू माइनस वन होगा तो एक बटे माइनस वन आएगा, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद फिर एक कर लेते हैं एक बटे माइनस वन, एक्स का मान या कॉस एक्स का मान ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन जीरो, है ना, माइनस वन से जीरो के बीच में एक अंतराल ले लिया, फिर एक अंतराल ले सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन, ठीक ना, लेस देन वन नॉट इक्वल टू वन, है ना, वन के बराबर नहीं, और यहाँ पर ले सकते हैं एक बटे एक, मतलब एक का ही मान ले लिया, माइनस वन ये है माइनस वन से जीरो के बीच में, जीरो से वन के बीच में, और ये वन ले लिया, ठीक ना। अब देखिए हमको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, इस वाले से तुमको पक्का ये माइनस वन प्राप्त हो जाएगा, एक बटे माइनस वन बराबर माइनस वन, और इस वाले से ये एक प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब इस वाले से क्या प्राप्त होगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पर आपको इस माइनस वन से लेकर ये जीरो, मतलब इसके बीच में ये सब मान आप रखिए, कॉस एक्स का मान रखिए यहाँ पर, तो देखिए क्या मान आएगा। यदि मैं एक्स का मान रख दूँ यहाँ पर, देखो माइनस वन से जीरो के बीच में देखिए कोई भी एक मान रख लेता हूँ, जैसे ये यहाँ पर रख लिया जीरो पॉइंट, ये माइनस में है तो माइनस जीरो पॉइंट वन ले लिया, ठीक ना। एक मान हम ये रख लेते हैं, देखिए यहाँ पे सिंपल रख लेते हैं माइनस जीरो पॉइंट वन रख लिया, तो इसका मतलब हो जाएगा ये जब दशमलव हटेगा तो ऊपर दस लग जाएगा, तो माइनस टेन आ गया, ठीक ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर रख दूँ जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, ठीक ना, एक ले रहा हूँ, जीरो तो नहीं है अभी ये, ठीक ना, जीरो से और जीरो और माइनस वन के बीच में है ये, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पर रख दें माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन रख दिया, तो लगभग ये माइनस में बहुत बड़ा माना जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर हम न तो जीरो लें और ना ही माइनस वन लें, बस इनके बीच में अगर हम छोटे से छोटा संख्या अगर ले लें, ठीक ना, बस ध्यान रहे जीरो और वन माइनस वन ना रखें, जब इसको हल करेंगे तो बटे में होने के कारण जब हल करेंगे तो बहुत बड़ा मान आएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हमको ये अप टू माइनस इनफाइनाइट, है ना, या माइनस इनफाइनाइट की तरफ ले जाएगा, ठीक ना। और अगर इसी प्रकार जीरो से वन के बीच में अगर कोई मान रख लें, जीरो से वन के बीच में कोई भी छोटे से छोटा मान रख लें, जीरो पॉइंट जीरो 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 वन रख लें, बहुत बड़ा जीरो रख लें, वन है ना, जीरो नहीं ले रहे हैं ना ही वन ले रहे हैं, उनके बीच में रख रहे हैं, तो बटे में रखने के कारण ये मान बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक ना। तो बटे में जितना छोटा मान रहता है
पूरे का मान उतना ही बड़ा हो जाता है। तो ये हमको किसकी तरफ ले जाएगा, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की तरफ ले जाएगा, ठीक ना। और ये वन हो गया। तो अब देखिए अगर इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से वन माइनस वन तक ये पक्का हो गया। और फिर यहाँ लिख लेंगे एक से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक ना, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक ये हो गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, फिर वन से लेकर इनफाइनाइट तक ले गए, तो ये हमको परिसर मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या रखिए, माइनस वन और वन के बीच में कोई संख्या नहीं मिल रही हमको, है ना, रेंज में हमको ये कोई मान इसका प्राप्त नहीं होगा। अगर हम अब देखिए इसका ग्राफ खींच लेते हैं, देखिए ये रहा ग्राफ, इसका खींच लें, ये जीरो पाई बाई टू, ये पाई थ्री पाई बाई टू, ये टू पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, और ये माइनस टू पाई। देखिए इस पर सब, देखिए इसको याद रखिए, इस पर तो ये परिभाषित ही नहीं है, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, विषम गुणज, पाई बाई टू के विषम गुणज पर ये है ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए पाई बाई टू यहाँ पर डॉट डॉट कर लेते हैं, यहाँ पर ये परिभाषित ही नहीं है, ये हो गया कि मतलब इस मान पर तो होगा ही नहीं। फिर ये थ्री पाई बाई टू पर रख लेंगे, फिर इसके आगे फाइव पाई बाई टू पर रखेंगे, आगे आगे मिलेगा तो यहाँ पर रख लेते हैं, पाई बाई टू पर रख लेंगे इसे, और ये थ्री पाई बाई टू पर, ठीक ना, इस पर ये परिभाषित नहीं होगा, ये तो हटा ही दिए। अब इस पर देखिए क्या क्या आ रहा है, अब देखिए इसमें मान रख के देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम जीरो पर रख लें तो क्या आएगा, और ये देखिए इधर हम रख लेते हैं, देखिए ये लिखा ना माइनस वन और वन, इनके बीच में तो संख्या आएगी ही नहीं कुछ, तो ये हम लिख लिए, ये वन हो गया प्लस में और ये माइनस वन हो गया, ठीक ना, इसके बीच की कोई संख्या हमको रेंज में प्राप्त ही नहीं होगी, ठीक ना। अब देखिए इसमें अब रखते हैं इस पर, अगर हम यहाँ पर जीरो रख लें, देखिए तो यक्स का मान अगर जीरो रखें तो एक बटे कॉस जीरो आ रहा है, ठीक ना, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ये यक्स और वाई, ये हो गया हमको एक प्राप्त हो गई, सॉरी एक बटे, और कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि समझ में समझ, देखिए ये वाला हम ये खींच लेते हैं पहले, ठीक ना, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये माइनस वन जीरो, और ये जीरो, ये माइनस वन, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपल हो गया, कॉस जीरो, ये कॉस जीरो है ना, जीरो डिग्री पर कितना है, ये पहला जो होता है कॉस का मान देता है, तो ये एक हो गया, तो एक बट्टे एक बराबर एक, मतलब जीरो पर देखिए यहाँ पर रहेगा ये, ठीक। अब पाई बाई टू पर देख लेते हैं, अब देखिए ये पाई बाई टू पर परिभाषित नहीं है, इसलिए हम यक्स बराबर पाई बाई टू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यक्स टेंस टू, यक्स टेंस टू पाई बाई टू, मतलब कि पाई बाई टू की तरफ। तो हम यहाँ पर रख के देखेंगे बस पाई बाई टू पर क्या आ रहा है, तो देखिए पाई बाई टू 90 डिग्री पर देखिए जीरो आ रहा है, तो एक बटे जीरो बराबर देखिए क्या आया, अपरिभाषित आया, ठीक ना, मतलब अनंत की तरफ जाएगा ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पर माइनस पाई बाई भी रख के देख लेते हैं, यक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू, तो एक बटे कॉस माइनस पाई बाई टू, ठीक ना। तो देखिए कॉस ए टू फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, देखिए कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये एक बटे कॉस पाई बाई टू हो गया, तो कॉस बाई पाई पाई बाई टू का वैल्यू फाइनाइट ही था, है ना, इनफाइनाइट। तो अब देखिए ग्राफ हमको बना कि अगर जीरो से अगर पाई बाई टू की तरफ जाएंगे तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक ना, ये ऐसे, और इसी प्रकार इधर से भी ये ऐसे ही जाएगा, ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए अगर इसी तरह ग्राफ खींचें तो अब देखिए पाई पर भी देख लेते हैं क्या आता है, ये तो हमारा ये ग्राफ हो गया, पाई पर भी देख लेते हैं कैसा ग्राफ आएगा। तो अब कहाँ लिख दें, चलिए यहीं लिख देते हैं थोड़ा, है ना, यहीं समझना है। तो
देखिए अब लिखेंगे यक्स इक्वल टू पाई पर देखते हैं, तो एक बटे कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखिए ये पाई पर है, कॉस की वैल्यू यक्स को दिखाता है तो माइनस वन है, एक बटे माइनस वन बराबर माइनस वन, मतलब ये वाला आएगा यहाँ पर, ठीक ना, माइनस वन की वैल्यू। फिर अब देखिए यहाँ पाई बाई टू पर कितना है, अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रखें तो देखिए क्या रखा था, पाई बाई टू पर इनफाइनाइट तक आया, मतलब अब देखिए ये जो अगर पाई बाई टू की तरफ चलेंगे तो क्या रहा है, देखिए ये रहा पाई बाई टू पर है, एक्स का वैल्यू पाई बाई टू पर देखिए इनफाइनाइट है, तो हमको देखिए ये इस प्रकार जाएगा, ठीक ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर अब देखिए थ्री पाई बाई टू है, तो थ्री पाई बाई टू की तरफ देख लेते हैं किस तरफ, एक बार ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू पर, तो एक बटे कॉस थ्री पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू पर एक्स के मान ये जीके जीरो है, तो एक बटे जीरो मतलब ये इनफाइनाइट, तो ये रहा आपका इनफाइनाइट, ठीक ना, टच नहीं करेगा, ऐसे ये चलता चलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको ये आ जाएगा सेक एक्स का ग्राफ आता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पाई पर लिखा है, तो हम यहाँ पर ठूक माइनस पाई यहाँ पर भी दिखा देते हैं, ये इस प्रकार जाएगा, ठीक ना, ये हो गया। तो इस प्रकार ये सेक एक्स का ग्राफ प्राप्त हो गया। अब हम इसके बाद जो बचा एक अंतिम कोसेक का, उसको ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटे साइन एक्स लिख सकते हैं, और एक बटे साइन एक्स, एक्स का मान यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, और एक्स का मान जीरो किस पर होता है, साइन एक्स बराबर जीरो किस पर होता है, एक्स बराबर एन पाई पर, मतलब एन क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड, तो एन बराबर अगर जीरो रखिए, देखिए मतलब यक्स जीरो पाई टू पाई थ्री पाई माइनस टू पाई, इन मानों पर इसका मान शून्य होता है, तो हमको यहाँ पर लिखेंगे यक्स नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, ठीक ना, इक्वल टू एन पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना वन अपॉन जीरो तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमको देखिए प्रांत क्या प्राप्त हुआ, प्रांत आर माइनस एन पाई। अब देखिए परिसर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए साइन है, तो साइन में देखिए क्या होता है, एक बटे साइन ये लिखा हुआ है, और साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और लेस देन इक्वल टू वन, ठीक ना। तो इसके लिए हमने पहले अभी इसके जस्ट पहले वाले में बताया है, सेक वाले में, कि इसके लिए देखिए क्या हमको परिसर प्राप्त होता है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन और यूनियन वन से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक ना। तो ये हमको रेंज प्राप्त हो गया, और अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए ग्राफ है ये जीरो, ये पाई बाई टू, और ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू, और ये टू पाई, और ये हो गया माइनस पाई बाई टू पाई, और माइनस थ्री पाई बाई टू है ये, और माइनस थ्री पाई बाई ये टू। अब देखिए इसमें बोले कि जीरो पाई टू पाई पर तो परिभाषित ही नहीं है, तो हम पहले जीरो पर ये डॉट डॉट कर लें, ठीक ना, ये जीरो पर ये डॉट डॉट कर लिया, इस मान पर परिभाषित ही नहीं है, पाई पर भी कर लेते हैं, और ये टू पाई पर, फिर यहाँ माइनस पाई पर, ये माइनस पाई है, ठीक ना, तो इसके आगे ये टू पाई पर हो जाएगा, यहाँ माइनस टू पाई पर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार हम सबसे पहले यहाँ जीरो मान रख के देखते हैं, जब यक्स का मान जीरो होगा तो एक बटे साइन जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, मतलब ये अपरिभाषित, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर अगर यक्स का मान पाई बाई टू रख लेते हैं, ठीक ना, तो पाई बाई टू पर कितना जाएगा, तो एक बटे साइन पाई बाई टू, साइन 90 का मान एक होता है, इस प्रकार ये एक आ जाएगा। और यक्स का मान अगर यहाँ पर हम रख दें पाई रख देते हैं, तो एक बटे साइन पाई, तो साइन पाई का मान एक बटे जीरो होता है ना, ये पाई यक्स अक्ष पर है, तो यक्स अक्ष पर यक्स साइन यक्स का मान जीरो होता है, इस प्रकार ये एक बटे जीरो मतलब
इनफाइनाइट। तो देखिए ये हो गया पाई बाई टू पर, ये वन आ गया, यहाँ देखिए ये आ गया वन तक, ये वन हो गया और ये माइनस वन हो गया, ठीक ना। तो पाई बाई टू पर वन पर ये रहा, और जीरो पर भी माइनस इनफाइनाइट, और इस पर पाई पर इनफाइनाइट, और जीरो पर भी इनफाइनाइट। तो इस प्रकार हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा, इसी प्रकार ये माइनस पर भी ये इस प्रकार यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक ना। इस पर मान रख के देखिएगा तो यही आएगा, ये हो गया, इसी प्रकार ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस पाई बाई ये, ठीक ना। मतलब माइनस वन और माइनस वन के बीच में कोई मान ही नहीं आएगा। तो देखिए कॉसेक एक्स का भी ग्राफ हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 करेंगे।